नमस्कार, मेरा नाम है सुधीर कोवे और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, रिस्ट वॉच एनालिस्ट और ग्राफोलॉजिस्ट भी हूँ। और आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ही यूनिक टॉपिक और जिसका नाम है 5 तरीके अपना मोबाइल नंबर चुनने के। जी हाँ दोस्तों, 5 वेज टू चूज योर मोबाइल नंबर। आज इस दुनिया में नंबर्स का इम्पोर्टेंस बढ़ते जा रहा है। अगर आप लोग देख पा रहे हो तो मोबाइल नंबर के अलावा भी कई सारे नंबर्स हैं जो आपके इर्द गिर्द हमेशा ही ज़्यादा पैमाने पे आपको दिखाई देंगे। पहले के ज़माने में आपको ना ही इतने सारे नंबर्स याद रखने पड़ते थे और ना ही इतने सारे नंबर्स का इतना ज़्यादा महत्व था। आज आप देखते हो तो आधार कार्ड नंबर है, पैन कार्ड नंबर है, उसके अलावा आपके पिन्स आते हैं, अलग अलग पासवर्ड होते हैं, कोड्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों से अपना, और हर बार OTP तो आपके मोबाइल पे आता ही आता है। ऐसे में मोबाइल या किसी भी तरह का नंबर जो है उसका इम्पोर्टेंस इस दुनिया में अभी बढ़ते जा रहा है। और जितना हम नंबर से ज़्यादा घिरते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा हमारे सभी के जीवन में एक जैविक मूल्य का महत्व उतना ही कम होते जा रहा है। आपने देखा होगा कि जब भी हम नंबर्स में ही ज़्यादा बातें करते हैं तो उन पर्टिकुलर टॉपिक्स में इमोशंस ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए वो सभी लोग जो नंबर से घिरे होते हैं, नंबर की ज़्यादा बातें करते हैं, नंबर्स की कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं, वो इमोशनल क्वेश्चन में वीक हो जाते हैं। इसलिए आप देखते हो जो भी साइंटिस्ट होते हैं, CA होते हैं, जो स्टैटिस्टिशियन होते हैं, वो कई बार इमोशनल क्वालिटीज़ को डिस्प्ले नहीं कर पाते और ना ही उस चीज़ को लेकर बहुत अच्छी बात कर पाते। लेकिन जैसा कि आप सब लोगों को पता है, जैसा देश वैसा भेस, तो हम लोगों को भी बात करनी ही पड़ेगी मोबाइल नंबर, न्यूमरोलॉजी और सभी वो नंबर्स के बारे में जो आपके आजू बाजू में है। तो चलिए बात करते हैं नंबर 1। सबसे पहली चीज़ जो आपने मोबाइल नंबर को चुनते समय ध्यान में रखनी चाहिए, आप सभी को पता है मोबाइल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एक मोमेंट पे आपको कोई ना कोई SMS आ रहा है, कोई WhatsApp मैसेज आ रहा है, कोई कॉल कर रहा है। इन सभी मोमेंट्स पे ऑटोमेटिकली मोबाइल नंबर की जो वाइब्रेशन वो एक्टिवेट हो रही है। इसलिए अगर आप लोगों ने सही तरीके से अपना मोबाइल चुना तो आपके लाइफ में बहुत आसानी से ड्रास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होते हो आप देखोगे। तो सबसे पहला बात है कि कैसे आपने अपने मोबाइल नंबर को चूज़ करना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कोई भी मोबाइल नंबर जब आप चूज़ करते हो तो उसका एक टोटल होता है। मतलब जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं, इंडिया में 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है, तो 10 डिजिट के मोबाइल नंबर के अगर हम टोटल करेंगे तो लास्ट में हमारे पास एक संख्या आएगी जिसको वापस से हम लोग जोड़ेंगे तो लास्ट में एक डिजिट बचेगा, तो वो होगा आपका मोबाइल नंबर की टोटल। तो ये मोबाइल नंबर की टोटल के ऊपर मैंने रिसर्च किया और मैंने देखा कि अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल आपके बिजनेस के अनुरूप है, मतलब जो बिजनेस आप कर रहे हो उस बिजनेस से अगर ये संलग्न है, उस बिजनेस को ये रिलेट करता है, तो आपको ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसे में अगर आपको न्यूमरोलॉजी की ज़्यादा जानकारी नहीं है और आपको नहीं पता है कि आपका बिजनेस या आपका प्रोफेशन किस नंबर से जुड़ रहा है, ऐसे में एक सेफ तरीका है कि नंबर 5 पे लेके जाइए, क्योंकि नंबर 5 एक ऐसा नंबर है जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बड़ी आसानी से घुल मिल जाता है। तो अगर आप 5 नंबर पे लेके जाओगे तो बड़ी आसानी से आपकी लाइफ जो है सिंप्लीफाइड हो जाएगी। इसके अलावा बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, जैसे नंबर 1 या नंबर 3 या नंबर 6। ये नंबर काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव नेचर के, और इन नंबर्स के साथ भी आप बड़ी आसानी से मोबाइल नंबर को सेट कर सकते हैं। तो ये था टिप नंबर 1। अब बात करते हैं टिप नंबर 2 की। टिप नंबर 2 कहता है कि अगर कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा आप करोगे तो आपको होगा उसमें लॉस। इसका मतलब है कि अगर आपने अपने मोबाइल नंबर के अंदर बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर रखे तो वो रिपीटेटिव नंबर के कारण ऑटोमेटिकली उस नंबर को परफॉर्म करने के लिए बहुत प्रेशर आएगा, और यहाँ पे जहाँ पे जो चीज़ ज़्यादा होती है वहाँ पे वो नष्ट हो जाती है। ये नेचर का नियम है। मतलब अगर आपने कोई भी चीज़ को बहुत ज़्यादा रूप पे इस्तेमाल किया तो वो ख़राब हो जाती है। इसीलिए अगर मोबाइल नंबर में 2 से अधिक बार आपको रिपीटेटिव नंबर दिखेंगे तो उस नंबर से जुड़ा हुआ जो रिज़ल्ट है आपको वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब मिलने वाला है। इसलिए एक मोबाइल नंबर के अंदर कोई भी नंबर को 2 से ज़्यादा बार रिपीट करना बहुत ज़्यादा ख़राब माना जाएगा। ऐसे में आपको अगर कोई भी मोबाइल नंबर नहीं मिल रहा है तो आपको वो एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन जहाँ तक संभव हो आपने वही मोबाइल नंबर लेना चाहिए जहाँ पे डिजिट्स रिपीटेटिव नेचर के ना। टिप नंबर 3। तो तीसरा टिप कहता है कि 8 और 4, 8 जो नंबर है वो है शनि का नंबर और 4 जो नंबर है वो राहु का नंबर। शनि डिले देता है, मतलब जो चीज़ें आपकी लाइफ में होगी वो डिलेड होगी।
चार नंबर जो है वो डिनायल का है, या चार नंबर जो है वो आपको भ्रमित करने वाला है, राहु का नंबर है, क्या होगा क्या नहीं होगा किस तरह से होगा कुछ भी नहीं पता। ऐसे में अगर ये दोनों साथ में आ जाए तो आपकी लाइफ में आ सकता है बहुत ज़्यादा डिले और बहुत ज़्यादा डिनायल, मतलब जो भी आप काम करो उसमें प्रॉब्लम होगा, जो भी आप काम को अंजाम करने की कोशिश करो वहाँ पर डिले आ जाएगा, तकलीफ़ आ जाएगी, वो चीज़ें नहीं होंगी जो आप करना चाहते हो या करवाना चाहते हो। तो यदि संभव हो तो आपने हर एक तरह से ये प्रयास करना चाहिए कि गलती से भी आपके पास 8 और 4 ये दोनों मोबाइल नंबर जो है वो एक मोबाइल में ना आए। अगर 8 आ रहा है तो 4 को ऑप्शन कीजिए, अगर 4 आ रहा है तो 8 को ऑप्शन कीजिए। दोनों को एक साथ रखने का कोई भी लॉजिक नहीं बनता, और वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा अगर दोनों आजू बाजू में आ जाए तो आपने अवॉइड करना चाहिए। इसी से जुड़ा हुआ है हमारा टिप नंबर 4। तो चौथा टिप कहता है कि जहाँ तक संभव हो आपके मोबाइल नंबर में जो डिजिट्स एक दूसरे के आजू बाजू में आए वो एंटी नंबर ना हो, जैसा 1 और 8 या फिर 3 और 6। तो ऐसे जो नंबर है जो एंटी नेचर के है, ऐसे नंबरों को आपने अपने मोबाइल नंबर में आजू बाजू में रखने से अवॉइड करना चाहिए। जिन नंबर की एनर्जीज एक दूसरे को सपोर्टिव नहीं है, जिन नंबर के कारण एक दूसरे के साथ, जैसे आपको भी पता है कि कोई भी नंबर जब आजू बाजू में आता है तो एक दूसरे के साथ एनर्जीज एक्सचेंज करता है, ऐसे में जो भी अच्छा नंबर है उसके ऊपर अगर बुरे नंबर का असर होगा तो आपकी लाइफ में उस चीज़ से संबंधित कुछ बुरे घटनाएं या चीज़ें आपको देखने का अवसर मिलेगा। इसी वजह से जितना संभव हो उतना आपने अवॉइड करना चाहिए कि कोई भी दो नंबर जो आजू बाजू में आए वो एक दूसरे से मित्रता रखते हो, किसी भी तरह की शत्रुता ना हो, या एंटी तो अपोजिट फिर भी चल जाए लेकिन एंटी नहीं रहना चाहिए, ये आपने करना चाहिए। ये होता हमारा टिप नंबर 4। चलिए जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट और अमेजिंग टिप नंबर 5। तो पांचवा टिप कहता है कि जब कभी पॉसिबल हो, हम हमेशा चाहते हैं कि हमारी लाइफ में जो भी चीज़ ख़त्म हो वो हाई नोट पे हो, इसलिए अगर संभव हो और अगर आपको मोबाइल मिल रहा है ऐसा नंबर जिनके लास्ट के 3 डिजिट असेंडिंग ऑर्डर के हो तो इससे बेहतर कोई भी योग नहीं हो सकता है। तो आपने प्रयास करना है कि मोबाइल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट असेंडिंग ऑर्डर के मिले, ताकि आपके लाइफ में भी जब किसी भी चीज़ की समाप्ति हो रही है तो उस समाप्ति के दौरान ऑटोमेटिकली वो ग्रोथ ओरिएंटेड चल रहा है और आपके लाइफ में भी निरंतर ग्रोथ हो रहा है। तो ये थे 5 तरीके जिससे आप अपने मोबाइल नंबर का चयन कर सकते हो और बड़ी सेफली एक ऐसा मोबाइल नंबर आप बना सकते हो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा कम्फर्ट और बहुत ज़्यादा धन दौलत और शोहरत लेके। अगर आपको दी गई जानकारी में मज़ा आया, आपने एंजॉय किया, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही कई सारे यूनिक वीडियोस बनाऊं आपके लिए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, कमेंट कीजिएगा ताकि मैं और ज़्यादा ऐसे वीडियोस बनाऊं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।